आज की वीडियो में ड्यूल मॉनिटर सेटअप सीखते हैं, वायर के साथ भी, बिना वायर का भी। लेकिन ये ड्यूल मॉनिटर सेटअप क्यों करते हैं? नहीं पता? आइए बताता हूँ। खाली बताऊंगा नहीं, मैं दिखाता हूँ मेरे ऑफिस में ड्यूल मॉनिटर मेरा स्टाफ किस लिए यूज करता है। यहाँ पे देखिए, एक ड्यूल मॉनिटर कनेक्टेड है, लैपटॉप के साथ एक मॉनिटर एक्स्ट्रा लगाया गया है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई ये ड्यूल मॉनिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये है हमारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर भूषण जी, और वो फिलहाल वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई उन्होंने ये ड्यूल मॉनिटर क्यों लगाया है। मैं ज़्यादा करके वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे एक स्क्रीन के ऊपर प्रीव्यू और दूसरे स्क्रीन के ऊपर टाइमलाइन दिखता है, तो उसके वजह से वीडियो एडिटिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो इनको वीडियो एडिटिंग में हेल्प मिलती है, इसीलिए ये ड्यूल मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और लोग भी है जो ड्यूल मॉनिटर यूज करते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे ऑफिस के एक और स्टाफ मेंबर है जिनका नाम है सारिका। उन्होंने भी यहाँ पे दो मॉनिटर कनेक्ट किए हैं, ड्यूल मॉनिटर बेसिकली। तो उन्होंने क्यों कनेक्ट किया ये मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा। वो भूषण सर ने लगा के दिया इसीलिए। वुमेन। अरे यार, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऑफिस के स्टाफ भी मेरे लेने लगी, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप किस लिए इस्तेमाल करते हो ड्यूल मॉनिटर। सर, मेरे एक डेस्कटॉप पे वेबसाइट का बैकएंड लॉगिन होता है, और दूसरे डेस्कटॉप पे स्टूडेंट की जो क्वेरीज आती है वो हैंडल करने के लिए, इससे जो काम है वो आसान होता है। ओके, तो ये ड्यूल मॉनिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं इन्होंने भी बता दिया है। अब ये ड्यूल मॉनिटर वायर के साथ और बिना वायर का कैसे कनेक्ट करना है, अगर आप जानने में इंटरेस्ट हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा इंट्रो पार्ट में कि मेरे जो स्टाफ मेंबर है वो कह रहे हैं कि भाई ड्यूल मॉनिटर लगाने से काम आसान होता है। तो काम कैसे आसान होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बेसिकली पहले ड्यूल मॉनिटर का सेटअप करने से आपका काम कैसे आसान होता है वो देख लेते हैं, फिर उसका सेटअप कैसे करना है, मतलब वायर लगा के कैसे सेटअप होगा, बेसिकली कौन सी वायर आपको लगानी पड़ेगी ड्यूल मॉनिटर के लिए, और बिना वायर का भी होता है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया, तो वो भी सेटअप हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, राइट। हर एक चीज़ डिटेल में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर एक विंडो है और यहाँ पे एक मॉनिटर लगाया हुआ है। ये मैं आपको क्लोज शूट में भी दिखा रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। अब लैपटॉप के ऊपर जो वंडरशेयर फिल्म हो रहा है, यहां पे मेरा वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर चालू है, उसमें जो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं कि भाई बेसिकली ये प्रीव्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रीव्यू मैं अलग सा आपको दिखाऊं। तो ये प्रीव्यू अलग सा करने के लिए, तो यहां पे मैं इसे फुल स्क्रीन करूंगा सबसे पहले, और इस प्रीव्यू को फुल स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ पे विंडोज शिफ्ट और राइट एरो दबाऊंगा, तो ये प्रीव्यू राइट साइड में आ गया, और मेरा जो एडिटिंग स्क्रीन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये प्रीव्यू मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट साइड में, और साथ ही में यहाँ पे एडिटिंग के लिए टाइमलाइन वगैरह मुझे सेपरेट मिल रही। तो यहाँ पे मेरा काम आसान तो हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे प्रीव्यू सेपरेट दिखाई दे रहा है, और जो बारीक से बारीक चीज़ रहती है ना एडिटिंग के अंदर, वो हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। और ऐसी ढेर सारी चीज़ें होती है जिससे काम आसान होता है, जैसे सारिका जी ने आपको बताया कि भाई उनका कस्टमर सपोर्ट का जो स्क्रीन है वो अलग आता है, क्वेरीज लगाती है, और जो वेबसाइट का बैकएंड है वो अलग आता है, तो वो मैनेज आसानी से कर पाते हैं, कस्टमर की क्वेरीज क्विकली सॉल्व होती है वहां पे। तो ड्यूल मॉनिटर कनेक्ट करना बहुत ही काम की चीज है दोस्तों। अब बारी आती है कि भाई ये ड्यूल मॉनिटर कनेक्ट करें तो कैसे करें। तो बेसिकली आपका जो लैपटॉप होता है, पहले मैं लैपटॉप के साथ बताना चाहूंगा, आपका जो लैपटॉप होता है उसमें एक एक्सटर्नल HDMI पोर्ट रहता ही है। बेसिकली लेटेस्ट लैपटॉप में HDMI आउटपुट पोर्ट आपको मिलता है, आप आउटपुट यहां पे ले सकते हैं इस लैपटॉप का। अब जब आप इसे HDMI पोर्ट लगा दोगे, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो HDMI पोर्ट इस लैपटॉप को लगा लिया है, अब जब इसे HDMI पोर्ट आप लगा दोगे, ये HDMI पोर्ट आप कनेक्ट करोगे आपके दूसरे मॉनिटर के, तो इसका ड्यूल डिस्प्ले आ जाएगा। लेकिन ये ड्यूल डिस्प्ले एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड पे विंडोज P बटन दबाना होता है। जब आप विंडोज P बटन दबाओगे तो यहां पे चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला ऑप्शन रहता है PC स्क्रीन ओनली, दूसरा ऑप्शन रहता है डुप्लीकेट, तीसरा ऑप्शन रहता है एक्सटेंड, और चौथा ऑप्शन रहता है सेकेंड स्क्रीन ओनली। अभी फिलहाल जो ऑप्शन एक्टिवेट है मेरे केस में, यहां पे लैपटॉप पे आप देख सकते हैं एक्सटेंड एक्टिवेट है, मतलब यहां पे एक स्क्रीन रहेगी और यहां पे एक सेपरेट स्क्रीन रहेगी। एक्सटेंड का मतलब होता है दो सेपरेट आपको विंडो मिल जाएगी, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि यहां पे जो दिखाई देगा वही आपको इस पे भी दिखाई देगा, मतलब अभी लैपटॉप पे जो दिखाई दे रहा है वही, या मॉनिटर पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी। एक काम करता हूँ मैं इसे थोड़ा सा वीडियो को, ये देखिए अभी लैपटॉप और मॉनिटर ये दोनों पे भी सेम डिस्प्ले आ जाता है। विंडोज P मैंने किया और यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया। अब मैं PC स्क्रीन ओनली करूंगा तो ये लैपटॉप की फर्स्ट स्क्रीन है, तो ये फर्स्ट स्क्रीन ही दिखाई देगी, ये वाला मॉनिटर डिस्प्ले नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं खाली यहाँ पे लैपटॉप ही दिखाई दे रहा है, ये वाला मॉनिटर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्ले जाएगा, राइट। या फिर अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट
करते हो दोबारा तो डुप्लीकेट करोगे तो ये आपको पता चला है डुप्लीकेट दोनों जगह पे सेम स्क्रीन दिखाई देगी। डुप्लीकेट के अलावा अगर आप एक्सटेंड करते हो, यहाँ पे अभी डुप्लीकेट आप देख सकते हैं, फिलहाल एक्सटेंड में कर रहा हूँ, अभी एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे मैं अलग स्क्रीन रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं अलग स्क्रीन रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी आपको एक चैट जीपीटी की विंडो दिखाई दे रही है, या फिर मैं कोई भी विंडो को जैसे आपको मैं दिखाता हूँ अभी ये विंडो को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ये विंडो को यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ, इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ विंडो को, राइट। ओके, सो ये आपको आइडिया आ चुका होगा। और विंडोज़ पी बटन प्रेस करने से एक और यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंड स्क्रीन ओनली, जिससे आपको खाली सेकेंड स्क्रीन दिखाई देगी। अब कौन सी स्क्रीन का ऑप्शन कब यूज़ करना होता है, जैसे डुप्लीकेट का यूज़ क्या है, डुप्लीकेट का यूज़ जब आप प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं ना तब यूज़ होता है। जैसे कि आपके लैपटॉप को आपको बड़े प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करना है तो आप क्या करो, जो भी आपका प्रोजेक्टर का इनपुट है यानी कि जो भी HDMI पिन प्रोजेक्टर से आ रही है वो पिन आपके लैपटॉप में यहाँ पे आउटपुट में लगेगी और फिर लैपटॉप का स्क्रीन जो है एज इट इज़ आपके प्रोजेक्टर पे भी दिखाई देगा। तो आप अगर बड़े लेवल पे कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तब आपको डुप्लीकेट ऑप्शन यूज़ करना होता है। एक्सटेंड ऑप्शन आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं आपके काम को आसान बनाने के लिए। तो ये विंडोज़ पी का ऑप्शन तो आपको पता चला होगा। चलिए, वायर के साथ कनेक्ट करना लैपटॉप में तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे एक वायर लगानी HDMI केबल जो कि मार्केट में मिल जाती है और आपके लैपटॉप को वो लगानी आउटपुट में और मॉनिटर में इनपुट में लगा देनी वही केबल। और अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है कंप्यूटर में, तो पुराने कंप्यूटर में आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पुराने कंप्यूटर में आपको VGA लगाना पड़ता है, HDMI पिन नहीं आती है। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस की पिन रहती है जो नए लैपटॉप और कंप्यूटर में मिलती है, लेकिन पुराने कंप्यूटर में आपको मिलती है VGA वीडियो ग्राफिक अडैप्टर। मैं स्क्रीन के ऊपर एक पिन दिखाता हूँ जो कि होता है एक ऐसा अडैप्टर जो एक VGA को दो VGA में यहाँ पे डिवाइड करता है। तो आप ये VGA खरीद सकते हैं अगर आपका पुराना कंप्यूटर है CPU है बेसिकली, तो आप वहाँ पे VGA लगा सकते हैं। ये VGA लगा के आप ड्यूअल मॉनिटर इस वाले CPU को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वाले CPU को, राइट। तो ये एक ड्यूअल मॉनिटर कनेक्ट करने का मैंने तरीका बताया अगर आपका पुराना CPU और लैपटॉप है आपके पास तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको एक एडिशनल मॉनिटर की ज़रूरत है दोस्तों। अब चलो ये तो बात हो गई भाई वायर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन वायरलेस के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको ये करके दिखाता हूं, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वायरलेस डिस्प्ले कैसे कनेक्ट करना है। बेसिकली यहां पे मैंने लैपटॉप लिया है, इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं है, तो इसका जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, लैपटॉप मैंने स्टार्ट किया, इसका जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, इस डिस्प्ले की जगह मैं ये वाला डिस्प्ले जो है ना यहां पे जो डिस्प्ले वो यहां पे लेना चाहूंगा, राइट। तो ये जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है मैं इस लैपटॉप को यानी कि वायरलेसली मैं कनेक्ट करना चाहूँगा और मैं प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं करके दिखाऊंगा। तो आइए नज़दीक आइए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लैपटॉप स्टार्ट कर देना है, सर्च में जाना है, यहाँ पे सर्च में मैंने कर्सर रख दिया और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा प्रोजेक्शन सेटिंग्स। तो प्रोजेक्शन सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन सेटिंग्स ऑन कर लेनी है आपके लैपटॉप पे और इसमें आपको पहले वायरलेस डिस्प्ले लॉन्च करना होगा। लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस PC, ये मुझे लॉन्च करना होगा। लेकिन ये लॉन्च करने के पहले इसे आपको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना कैसे, अभी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए आपको ये ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 ड्रॉप डाउन। अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो आपको इंस्टॉल पहले करना पड़ेगा। तो इस PC पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल कैसे करना है ये जरा मॉनिटर पे भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि भाई ये स्क्रीन लाने के लिए आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट टू दिस PC, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे मैं पहले क्लिक करूंगा ये ऑप्शनल फीचर्स पे। आपको वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल करना है तो ऑप्शनल फीचर्स पे जाना है, उसके अंदर यहाँ पे ऐड फीचर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वायरलेस डिस्प्ले जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसे चेक कीजिए और यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस PC ऐसा आ जाएगा जैसे कि लैपटॉप के ऊपर ऑलरेडी है। तो इंस्टॉल कैसे करना मैंने आपको बता दिया, अब इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये ब्लू स्क्रीन आएगी, आपके लैपटॉप का यहाँ पे नाम आएगा और ये रेडी है, इज़ रेडी फॉर यू टू कनेक्ट वायरलेसली। अब ये लैपटॉप के ऊपर मैं कोई भी स्क्रीन यहाँ पे लगा सकता हूँ, जैसे ये वाला जो मॉनिटर है इसकी स्क्रीन मुझे लगानी। तो अब मैं मॉनिटर पे क्या करना है मैं बताता हूँ। तो अब आपको मॉनिटर पे मतलब आपका जो भी कंप्यूटर है जिसका प्रोजेक्शन आपको करना है लैपटॉप के ऊपर विंडोज पी बटन दबा देना है, जो कि आपको पहले ही बताया मैंने। विंडोज पी में ऊपर 4 ऑप्शन तो आते हैं आपको पता है, लेकिन हमें जाना है कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले पे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे जितने भी वायरलेस डिस्प्ले अभी अवेलेबल है मेरे
नेटवर्क में वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे ये मेरा लैपटॉप अवेलेबल है, मेरे वाईफाई में कनेक्टेड है लैपटॉप, तो यहाँ पे ये मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और जैसे मैं क्लिक करूँगा कनेक्टिंग हो चुका है। तो ये हमारा अभी वायरलेसली कनेक्टेड है। अब आपको मैं यकीन दिलाने के लिए दिखाता हूँ, पहले ये देखिए इसको वायर नहीं लगी है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो स्क्रीन है, बेसिकली आप बोलोगे कि सर इसमें सेम विंडो रहेगी, ऐसा नहीं, सेम वॉलपेपर वगैरह नहीं। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ की विंडो यहाँ पे खींच के मैं ला के रख रहा हूँ, और ये वायरलेसली पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, एक वाईफाई नेटवर्क में आप रहने चाहिए, तब ये वायरलेसली कनेक्ट होगा, ये बात याद रखिए। ओके, सो सिंपल दोस्तों। तो ये था वायरलेसली कैसे कनेक्ट करना, बेसिकली वायर के साथ वायरलेसली कैसे कनेक्ट करना, दोनों भी मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो ना, अब तक क्यों रुके हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। और आप हमसे और भी कंटेंट सीखना चाहते हैं, हमारे टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, तो हमारे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी है, जो कि आप एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड करके घर बैठे बैठे कोर्सेज सीख सकते हैं विद ISO सर्टिफिकेट और बहुत ही कम फीस में। तो अभी के अभी चेकआउट कीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो, और एक्सपर्ट बनो। बाय बाय।